हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमपी मंडल, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। मैं आज मेंथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। मेंथा को हम लोग जापानी पुदीना भी कहते हैं। मेंथा एक सुगंधीय पौधा होता है। और ये जापानी पुदीना, इसका जो नाम पड़ा है, ये जापान से मंगाया गया था। और इसकी खेती सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी। वहां पर इसकी खेती संतोषजनक रहा और धीरे धीरे कई राज्य में इसकी खेती होना शुरू हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में इसकी खेती की जा रही है। मेंथा से तैयार मेंथॉल की मांग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक हो रही है। भारत विशेष रूप से मेंथॉल मिंट के लिए विश्व के अग्रणी उत्पादकों में एक है। जापानी पुदीना उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जापानी पुदीना की खेती ऑफ सीजन में की जाती है, जब हम गेहूं, तोरी, मसूर, मटर वगैरह का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तब उसके उस खेत में हम मेंथा लगाते हैं। और मेंथा से किसान को काफी आमदनी होती है। मेंथा तेल का डिमांड काफी ज्यादा है और इसकी जलवायु लाइट, मतलब हल्का ठंडा होना चाहिए और अच्छा अधिक गर्म होना चाहिए, जिससे कि इसकी बढ़ने का रफ्तार तेज होती है। इसमें सॉइल जो है सैंडी लोम सॉइल और क्ले सॉइल सुटेबल होता है। ऐसे तो पीएच 5.5 से 8.5, जिस सॉइल का पीएच 5.5 से 8.5 रहता है, उस मिट्टी में भी इसकी खेती बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन पीएच 6.5 से 7.5 पर इसकी खेती फेवरेबल है। अब लैंड की हम तैयारी कैसे करेंगे कि ट्रैक्टर से दो
या तीन गहरी जुताई करते हैं और अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिला देते हैं और फर्टिलाइजर में फास्फोरस और पोटाश बेसल डोज के रूप में रोपाई के पहले ही डाल देते हैं। देखिए ये फर्टिलाइजर डोज हुआ जैसे 70 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी P2O5 और 30 केजी K2O प्रति हेक्टेयर। ये एक कटिंग के लिए हम इतना डालते हैं और ज्यादातर किसान लेट से ही लगाते हैं, कहीं गेहूं काटकर लगाते हैं तो एक ही कटिंग करते हैं, इसलिए मैं एक ही कटिंग का फर्टिलाइजर डोज बता दिया। अब इसमें क्या है, प्रोपागेशन बाय सकर्स, बाय सकर्स के द्वारा हम करते हैं या बाय सकर्स के द्वारा करते हैं हम। इसका जो है मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग का दो विधि है। पहला है नर्सरी मेथड, नर्सरी मेथड, और दूसरा है डायरेक्ट सोइंग मेथड। यही दो मेथड है। अब नर्सरी मेथड में सकर्स कितना लगेगा, नर्सरी मेथड में सकर जो है नर्सरी मेथड में 1.25 क्विंटल लगेगा और डायरेक्ट डायरेक्ट सोइंग में 3.5 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको शक्कर की जरूरत पड़ेगी। अब हम पहले नर्सरी मेथड से हम कैसे खेती करेंगे, पहले इसको आप समझिए। अब देखिए इसमें नर्सरी मेथड से हम क्या करते हैं, पंद्रह दिसंबर
जनवरी अब देखिए ये जो हम अगर करते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी अगर हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि दो कटिंग होगा और इसमें वन कटिंग। अगर लेट से आप नर्सरी लेकिन आप प्लांटिंग करेंगे या नर्सरी बनाएंगे तो आपका 15 दिसंबर से 15 जनवरी दो कटिंग आपका होगा मेंथा का और 15 जनवरी से लास्ट फरवरी अगर आप करते हैं तो वन कटिंग होगा। आप देखिए इसका जो है नर्सरी मेथड में क्या करते हैं हम कि अब एक जैसे ये लैंड है लैंड में क्या करते हैं इसमें पानी इसमें डाल देते हैं, डाल दिए पानी, पूरा पानी डाल दिए, वाटर इसमें डाल दिए, इसको क्या करते हैं इसको मतलब वाटर डालने के बाद इसमें हल चला देते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो या हल चला देते हैं, चलाने के बाद एक कीचड़ हो जाता है, उसके बाद इसमें क्या होता है इसको पटा लगा देते हैं तो ये हमारा कीचड़ तैयार हो गया। आप क्या करते हैं ये जो है आपका शक्कर 1 से 1.25 क्विंटल जो है नर्सरी मेथड के लिए तो शक्कर तो मतलब कि लंबा लंबा होता है, ऐसे होता है शक्कर, इसका छोटा छोटा टुकड़ा हम बना लेते हैं इस शक्कर का, ये छोटा छोटा टुकड़ा बना लेता है, इसी टुकड़ा को इस पर छींट देते हैं मतलब कि छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद क्या करते हैं हम एक नारियल का झाड़ू लेते हैं और झाड़ू से उसको ऐसे थपथपा देते हैं। क्या होता है थपथपाने से क्या होता है कि वो जो आपका शक्कर का जो टुकड़ा यहां पर डाले हुए थे वो क्या हो गया आपका कि इसमें मिट्टी के साथ ये मिट्टी में ही सट गया। उसके बाद क्या करते हैं इसके ऊपर हम क्या करते हैं राख, जैसे पुआल का राख हुआ या नहीं तो मतलब कि भर्मी कंपोस्ट मतलब कि जो है उसको हम इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो भी मतलब कि है छिटने के बाद उस पर एक परत आ जाता है और क्या होता है इसको हम नमी बनाकर रखते हैं, जब मतलब कि जब बीच बीच में इसको सिंचाई करते रहते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो शक्कर का टुकड़ा है ये स्प्राउटिंग इसमें शुरू हो जाएगा, अंकुरण शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये आपका नर्सरी की तैयार धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, जब जब ये 30 से 35 दिन का जब नर्सरी हो जाएगा तब क्या करते हैं हम तब हम क्या करते हैं जो आपका लैंड जो तैयार है जैसे ये लैंड आपका लैंड है आओ तो इसमें क्या करते हैं कि हैंड प्लाउ से इसे से खींचते हैं, नहीं हैंड प्लाउ नहीं हैंड या ये जो है ना रस्सा वगैरह होता है उसी से इसे इसे दाग दे देते हैं ऐसे। ऐसे दाग दे दिया इस पर क्या होता है जैसे रस्सा हम खींचे इस पर किसी को चला देते हैं तो इसमें दाग हो गया, इसमें दाग हो गया, फिर इधर से हम फिर चला देते हैं इधर से ये हो गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा ज्यादा स्पेस हो गया, कोई बात नहीं है।
अब देखें इसकी दूरी ए वन रो 45 सेंटीमीटर, ये हुआ 45 सेंटीमीटर। अब देखिए एक प्लांट यहां लगेगा, एक प्लांट यहां लगेगा, ये हुआ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहां की दूरी 20 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर, 20 प्लांट के बीच 20 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि ये जो बीच में जो है इससे हम क्या करते हैं, इससे चलते हैं, इसी से हम चलते हैं। तो हम इस प्लांट को यहां पर ये हर जगह लगा दिए। इसका जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग 45 गुना 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, यही हुआ इसका स्पेसिंग। अब क्या करते हैं कि अब ये प्लांट हम लगा दिए, लगाने के बाद ये पौधा तैयार होता है और लगाने के बाद पहले सिंचाई इसको में करते हैं, सिंचाई करते हैं। जब पौधा जो एस्टेब्लिश जब हो जाता है तो क्या होता है एस्टेब्लिश, तो बीच बीच में सिंचाई करते रहते हैं। जब 25 से 30 दिन का जब पौधा हो जाता है तो क्या होता है उस समय घास काफी मिल के निकल जाता है। तो अब इस घास को मतलब कि जब तक हम घास को निकालेंगे ना, मेरा मेंथा का ग्रोथ नहीं होगा। उस घास को निकालने से क्या फायदा होता है कि इसमें एरेशन हो जाता है और जिससे क्या होता है प्लांट का ग्रोथ काफी अच्छा होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप चाहे हैंड होइंग करवाइए, चाहे मजदूर से मिलकर निकलवा लीजिए, चाहे इसमें मल्च कर दीजिए इसको, ये सब जो यहां पर इस सब में घास जो हुआ है इसको मल्च कर दीजिए। मल्च मिला कि किससे, जैसे गेहूं का भूसा हुआ या पुआल से यहां पर इस सब को मल्च कर दीजिए। यहां तो पौधा लगा हुआ है ही, मल्च कर दिए। मल्च करने से क्या होगा कि घास आपका निकलेगा नहीं, और इससे क्या फायदा होगा, और दूसरा फायदा होगा मल्च करने के बाद सिंचाई, अगर 12 से 15 अगर सिंचाई है तो इसमें 30% सिंचाई कम आपका देना पड़ेगा, यही फायदा होगा। और दूसरा उपाय है कि वीडी साइड में जैसे पेंडीमेथिलीन और डायूरॉन। पेंडीमेथिलीन जो है 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर और डायूरॉन 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। अब इसको क्या करते हैं, पेंडीमेथिलीन जो है तो इसको करते हैं चाहे मिट्टी भुरभुरा मिट्टी दम जो महीन मिट्टी है या क्ले सॉइल जैसे भुरभुरा मिट्टी है उसमें इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद यह डायरोन 0.5 kg को इसको मिला देते हैं और इसी पेंडीमेथिलीन को दूसरा क्या है कि इसमें जो घास हुआ है इसी में जो क्या करते हैं छिड़काव कर देते हैं इसमें जो घास हुआ है। तो क्या होता है कि एक जो भी घास हुआ है इसका वो कंट्रोल हो जाएगा, वो घास सब मर जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए
ये अब घास ये मर गया, अब इसमें जो है अब देखिए इसमें जो है इंटरकल्चरिंग मतलब क्या हो गया, अब इरिगेशन 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 12 से 15 अब देखिए हार्वेस्टिंग, जब मेरा पौधा तैयार हो जाता है जब अब हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग अब देखिए मेरा पौधा तैयार हुआ या नहीं, पहले तो है जिस दिन हम प्लांटिंग किए उसको उसको उसका डेट नोट करके रखते हैं, उस दिन से 110 से 120 दिन होना चाहिए। दूसरा पहचान क्या कब करना पड़ेगा कि जो ये जो पौधा है, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, इसमें क्या है जहां निकल रहा है, इसमें जो लीफ है, ये लीफ है जो यहां वाला लीफ क्या होगा, यहां वाला लीफ एकदम छोटा छोटा होने लगेगा। जब 110 से 120 दिन जब होगा तो यहां का लीफ दम छोटा होने लगेगा, दम छोटा छोटा होने लगेगा, और ये नीचे वाला जो लीफ है, ये नीचे वाला जो लीफ है, ये वाला लीफ जो है ये क्या होगा पीला रंग का होने लगेगा, और ये पीला रंग के होगा होगा और थोड़ा नीचे नीचे झुका हुआ है झुका हुआ, और इसके इर्द गिर्द घूमने से सेंट आना शुरू हो जाता है। तो उस समय क्या होता है जब मैच्योर हो जाता है इसका लीफ, तो इसका जो सरफेस होता है लीफ का जो सरफेस होता है ये खुरदुरा हो जाता है, खुरदुरा दम से खुरदुरा दम से हार्ड हो जाता है, खुरदुरा जो हो गया ये हार्ड हो गया, हार्ड हो जाता है इसका। और तो यही है इसका पहचानने का तरीका कि हम मेंथा की हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हम यही पहचान इसका है, पहचान हो गया। पहचान होने के बाद अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसका दिन इसमें क्या करते हैं इसको, ये जो है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या करना पड़ता है हमको, समय समय पर करना पड़ता है। अगर हार्वेस्टिंग में लेट हुई तो फसल का उत्पादन प्लस तेल तेल में लकी क्या होता है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, लकी जैसे लेट होगा, लेट होने के बाद विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं जब 110 120 दिन हो गया, अब हम क्या करते हैं कि जैसे अब हमको इसका डेट निश्चित करना पड़ता है हार्वेस्टिंग का, कि हमको इस डेट को इसको काटना है, कटाई करना है, तो हम एक सप्ताह पहले सिंचाई करना बंद कर देते हैं। उसके बाद जिस दिन इसका हार्वेस्टिंग या कटाई होती है तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो इस सतह है जमीन का जो सतह है यहां से यहां 4 से 6 सेंटीमीटर जमीन से 4 से 6 सेंटीमीटर ऊपर यहां से हम काट देते हैं, काट लिए। काटने के बाद क्या हुआ कि इसको काट दिए, लेकिन एक चीज और क्या हुआ, खुली धूप होना चाहिए, बादल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसको क्या करते हैं जब काट दिए हम तो इसको 3 से 4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, छोड़ने के बाद इसको उठाकर सीधा फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, राइट नंबर
देखिए यह है फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट है। अब देखिए हम क्या करते हैं, वो जो मेरा कटा हुआ था मेंथा का प्लांट जो कटा हुआ था, उसको क्या करते हैं, वहां से खेत से लाते हैं, इसमें डाल देते हैं। यहां पर है वाटर, यहां पर रहता है वाटर, यहां पर एक जाली रहता है, इसी में हम डाल देते हैं मटेरियल को, प्लांट मटेरियल को, इसमें प्लांट मटेरियल को इसमें डाल देते हैं। डाल दिए, इसको एयर टाइट कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। यहां पर भट्टी है, ये क्या है आपका भट्टी है, यहां पर क्या करते हैं आग लगा देते हैं, यहां पर आग लगा देते हैं। यहां पर आग लगाने के बाद यहां से क्या होता है, यहां से ये वेपर बनता है। अब प्लांट होते हुए या इस लकी पाइप से होते हुए यहां कंडेंसर में आता है, ये हुआ कंडेंसर, कंडेंसर में आया और इसमें क्या होता है ठंडा पानी रहता है कंडेंसर में, और यहां से जो है ना ये पानी इसके अंदर आता है, ये पानी अंदर मतलब कि ठंडा पानी यहां था, ठंडा पानी कोल्ड वाटर इसमें मतलब कि हम यहां इधर से देते हैं, और इसमें हॉट वाटर इधर से निकलता है, हॉट वाटर निकलता है। तो क्या होता है ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए। यहां से जो वेपर आया, यहां क्या हुआ वेपर क्या हुआ लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, और यही लिक्विड यहां आकर ये रिसीवर में गिरते रहता है यहां पर, और यहां पर ये ऊपरी भाग में तेल रहता है और नीचे पानी रहता है, और यहां पर तेल निकालने का एक नाली रहता है, एक पानी निकलने का एक नाली रहता है। तो हम इस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं। मेंथा का तीन से चार आवर्स में मेंथा का तेल प्लांट से निकल जाता है। इसमें जो एल्कोलाइड पाया जाता है, एल्कोलाइड मेंथॉल, मेंथॉल पाया जाता है इसमें। मेंथॉल जो है कि खासकर इंडिया में जो सॉइल है उसमें जब भी खेती होती है मेंथॉल परसेंटेज अन्य देशों से ज्यादा पाया जाता है। और क्या होता है कि पूरे विश्व में करीब 20,000 टन ऑयल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंडिया 11 से 12,000 टन खुद पैदावार करता है। मतलब कि ये मेंथा ऑयल में अग्रणी देश है, विश्व में अग्रणी देश है। अब देखिए वैरायटी इसमें जो अभी जो नया वैरायटी आई है, देखिए वैरायटी मतलब है जैसे कोसी, बहुत पुरानी वैरायटी है कोसी, दूसरा है सीम, सरयू, तीसरा है सेम क्रांति,
चौथा है सीम, सीम विशिष्ट। ये जो है अभी जो ये वैरायटी नया अभी ये पंतनगर से रिलीज हुई है और इस सीमेप से लग रिलीज हुआ है। सीमेप का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, लखनऊ। अब देखिए और पुरानी वैरायटी है सक्षम, सक्षम सक्षम कुशल कुशल हिमालय हिमालय फॉर टू कटिंग, फॉर टू कटिंग 200 से 250 केजी वायल प्रति हेक्टेयर। दो कटिंग अगर आप लेते हैं तो 200 से 250 केजी वायल पर हेक्टेयर आपको मिलेगा। अब देखिए लास्ट में देखिए मेडिसिनल मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज में आप देखिए पहले तो होता है ये आर्थराइटिस की बीमारी में, आर्थराइटिस की बीमारी में, दूसरा हेडेक, हेडेक, तीसरा टूथ एक, टूथ एक, चौथा डायसेंट्री, डायसेंट्री में इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद पांच में इन डाइजेशन, इन डाइजेशन, छठा में इन डाइजेशन में यूज करते हैं, फीवर में यूज करते हैं, और सतमा में फीवर। अब देखिए इसमें क्या है अर्थराइटिस, अब अर्थराइटिस में हम कैसे यूज करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं कहां पर, जहां जहां जोड़ में दर्द है वहां वहां हम इसको इसका तेल को लगाते हैं। हेडेक, सर में दर्द हो, ललाट पर, यहां पर लकीर लगाइए यहां पर, तो ललाट लकीर दम क्विक रिजल्ट मिलेगा, तुरंत ठीक हो जाता है। और जैसे टूथेक है, रुई में एक बूंद डालिए उसमें, लेकिन डायरेक्ट जहां दम दर्द है अंदर में उसको साट दीजिए, क्विक रिजल्ट मिलेगा। अब डायसेंट्री, अगर मान लीजिए किसी के परिवार में लेके दवाई रात में रहता नहीं, 12 बजे रात में किसी को अगर डायसेंट्री शुरू हो जाए तो आप क्या कीजिए, आके अगर आपके यहाँ मेंथा ऑयल घर में है, एक कप में आधा कप पानी लीजिए, उसमें एक बूंद डालिए, आधा आधा घंटा पर 2-3 बार दे दीजिए डायसेंट्री, उसी समय बंद बंद हो जाए। उसके इनडाइजेशन मतलब कि ओपच, ओपच जब होती है तो हम मेंथा ऑयल उसमें एक एक बूंद डालकर हम पीते हैं तो इनडाइजेशन की समस्या दूर हो जाती है। फीवर, अगर फीवर में जैसे हुआ इन्फ्लुएंजा हुआ, मलेरिया हुआ, इस सब में हम इसको इसका यूज करते हैं, एक कप पानी में डालकर उसको यूज करते हैं। तो इसके अलावे जैसे है
कहीं पर चोट लग गया तो उसमें चोट मतलब कि जो भोलनी जेल आप यूज करते हैं उसको यूज नहीं करके आप इसी का जहां चोट लगा वहां पर मेंथा ऑयल को लगाइए। उसके बाद क्या होगा कि आपका वो दर्द तुरंत आराम हो जाएगा। उसके अलावा मतलब कि जैसे है कि जैसे पान मसाला में इसका काफी उपयोग होता है, उसके टॉफी में इसका उपयोग होता है, चिंगम में उपयोग होता है और सौंदर्य प्रसादन में उसका उपयोग होता है। और एक चीज और, ये जो है मेंथा जो है ये लेमियसी फैमिली का है, लेमियसी फैमिली में ही आता है। फैमिली हुआ लेमियसी। तो छात्रों आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।